मशीन ये नहीं, मुझे दूसरी उठाने वाली होती है 10 है वो नहीं है। इसका क्या रेट है? तीसरा चौथे का ये वजन के हिसाब से मिलेगी। तीसरा चौथा वजन के हिसाब से चलेगी। ये हम लेने आए हैं मशीन इधर से बाजार से। हम असीब घूमने आए हैं बाजार में, गुलशन पार्क बाजार में। इधर से मैंने चादरें ली थी ये वाली दुकान से, और इधर मैं हूँ, मैं घर जा रही हूँ। इधर आसमान ले ली हमने। हाँ, आसमान ने जूसर लिया है 6000 रुपये की। 6000 की? अच्छा, दो पतीलियाँ। अब हम किसी और से रेट करने जा रहे हैं। अब हम कहीं और से जा रहे हैं लेने पतीलियाँ शतीलियाँ। घर जा के बताते हैं आपको, हम शॉपिंग करने आए थे बाजार में। गुजारे सारे लम्हे हैं। जूतियाँ जूतियाँ, ईद आ गई है और इधर शॉपिंग ही शॉपिंग, जो मर्जी लें। इधर नदीम ज्वेलर आ गया है, बहुत मशहूर है ये गुलशन पार्क बाज़ार में, बहुत पुरानी। ये अंकल हैं, इनसे हम लेते हैं पापड़ सेवियाँ पूड़ा। और इधर गनी सब्ज़ी वाला, ये भी बहुत मशहूर है। आसमान चल रही है मेरे साथ साथ। ए वो मुझ पतीलियाँ ना पीछे रह गया। हाँ है ये नाल से, वो बंद कर गया। चलो फिर अगे चल। चलो जी, यहाँ पे हमने पतीलियों का रेट भी अंकल से बहस वहस कर। केड़ा वाला डब्बा नहीं होता केड़ा नहीं, रोटी रखने वाला नदीम दे तब तक लेके जाना। अच्छा वो ब्लू वाला? हाँ, अगर 500। अच्छा अच्छा सही दे दे ए, है वाला ए। चलो सही, सीधी सादी खुशी है। मगे भी लगे हैं, ये भी इधर भी हैं मगे स्टील वाले। ਅਗਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦੇ ਅਗਲੀ ਤਰ ਪੇਮੈਂਟ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਹਮੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸੇ ਨਹੀਂ ਲੀ, ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਬਸ ਲੈ ਆਏ ਆ ਰਹਿਮਾਨ ਸਟੋਰ ਸੇ। ਹਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਦੇ ਸੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਤੇ ਹੈ। चाय के सीजन के कप हैं। अंकल जी फिर जो जग असी को लेके गए सी, उन्होंने शीशा कोई तो भी नहीं लग सकता। वो जो पानी वास्ते असी लेके गए सी लंबा जिहा ब्रीक। हां हां जी, पता तुहाडे कोल लिखा सी ना सीजन नहीं कलर ही च सीजन जे पता करना शायद। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵੋਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੈਲੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਡਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇਗਾ ਮਗਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਡ ਬਹੁਤ, ਚਲਣ ਠੀਕ ਲੀਟਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਫ ਲੀਟਰ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैंने आज मेरा एक देवर है जो एक अदद जिसके लिए हम आपको कह रहे हैं रिश्ते का, वो हमारे लिए नाश्ता लेके आया था मेरे लिए और आसमा के लिए। दो नान और एक पाए का शोपर था, दो नान और एक पाए का शोपर आसमा के लिए था। तो मैंने तो अपना खा लिया, मैंने आधे खाए हैं, आधे गर्म करके अपने हस्बैंड के लिए रख दिए। एक नान रखा उनके लिए, एक नान मैंने खा लिया। और बाहर आसमा भी कर रही है अपना नाश्ता बना रही है, वो खिड़की में अगर नज़र आए आपको तो। भाई चलते हैं और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है व्लॉग। तो अस्सलाम वालेकुम, एयर स्ट्रांग सिस्टर हाजिर है आप सबके लिए और हमारा व्लॉग होता है स्टार्ट यहीं से। भाई चलते हैं, भाई देखते हैं आसमा आंटी क्या कर रही है। आसमा खाला आसमान खाला क्या कर रही है? हाँ एक दिखा नाश्ते की दावत की थी। हाँ तो मुझे सुबह फोन किया, मुझे चाय पराठा खिलाओ।
तो मैं क्या अच्छा ठीक है, तो मैंने उसके लिए पराठे बनाए, दो अंडे बनाए, चाय बनाई, तो वो हमारे लिए पाए और नान का सालन लेके आया। हाँ, क्योंकि इसके पराठे मशहूर है ना, सबको पसंद आते हैं। देखे एक ये नान, एक वो नान, और ये सालन पाएगा। सुबह फिर हमने हंदवाना खाया था ना, मैंने मैंने और अली ने फिर सुबह हंदवाना खाया था ना, इसलिए हमने नाश्ता नहीं किया। फिर मैंने रख दिया अब गर्म करके, तो अब दे रही, मैं भी खा रही, इसको भी दूंगी। मुझे कह रहा मम्मा कर दो गर्म। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, जो हम बाज़ार गए थे ना लेने, शॉपिंग करने रात को, मैं कहा था मैं थक गई हूँ, सुबह दिखाऊंगी आपको चीज़ें सारी। लीजा लाइट जलाई दूसरी वाली भी ज़रा। हाँ, अब सर कुछ भी नहीं, शापर वाला। हाँ, पतीलियाँ वाला शापर, ये पतीली ली हमने बहुत सारे। हाँ, बड़ा थोड़ा सा लिया था मैंने, मैं कहा कोई ये चम्मच लिए थे कांटे वाले, तरबूज वगैरह खाने खाने के लिए, और नूडल्स, बच्चे नूडल्स का एक बड़ी ली थी हमने। चावलों की है। हाँ, इन्नी की हैगी है। दो ढाई की किलो चोल पाव। नहीं, वो फूल जाते हैं ना, फिर खराब हो जाते हैं। हाँ, एक ही है इसके साथ, ये ढक्कन। हाँ, क्योंकि बीच कोने वाली मांग रही थी, पर हाँ दूसरी है। मैं ये वाली मांग रही थी ना, ये कन्ना वाली, इन्होंने कहते ना दुकान पर जाओ ना, तो कहते ना कन्ना वाली पतीली, यही मिल गई। एक ये साइज लिया है मैंने, और एक ये वाला लिया। इसमें तकरीबन तीन पा या किलो इसमें पक सकते हैं। हाँ, चावने ओ चावल चावल पक सकते हैं। हाँ, किलो पक सकते हैं। हम अपने लिए थोड़े बनाते हैं, कब कोई आया तो फिर पता इसमें बना लेते हैं। हाँ, एक ये बड़ी ली थी और एक ये छोटी ली थी। मेरी भी नहीं साइज है, पतीली का पांच नंबर ही है। हाँ, इसका ना ढक्कन बज गया, इसका तो ढक्कन ना थोड़ा नॉर्मल है। अच्छा, दहा एक हमने रहमान स्टोर से पूछी, बंद नहीं की थी। नहीं, चल दे पे। रहमान स्टोर से हमने पूछी, वो दे रहा था 6000 रुपए की, वो सोनेक्स वालों की थी। सोनेक्स वाले की थी, उसको तोल के उसे हाँ का बिल बना दिया। हमने कहा भाई हमने अपनी रेंज के मुताबिक ही लेनी है। महंगी मैं जब मैंने ली थी ना पिछले साल रोजों में, रोजों से पहले ली थी तकरीबन, तो तब मिली थी मुझे 4000 की कह रहा था, तो 3500 रुपये में दो मिली थी मेरी। हाँ, दो पतीलियाँ आई थी 3300 की। तो अब आप लोगों ने कमेंट में बताना ये मेरी दो पतीलियाँ कितने की आई। हाँ, जो सही बोलेगा ना उसको फिर मैं रिप्लाई दूंगी वीडियो में, उसका ना उसकी आईडी का नाम भी लेंगे हम। ठीक है, आपको वो दे देते थोड़ा सा ऑप्शन, 3 से 5000 के दरमियान। अब आप हाँ बता देगा कितने की आई। हाँ, 3 से 5 के दरमियान है, और जो सही रेट बोलेगा मैं उसकी आईडी का नाम अपने उसमें भी लूंगी। 3-1 लेने गए थे, पर 3-1 उसके पास थी नहीं, उसमें लोकल था हल्का वाला। हाँ, कह रहे थे उसकी गारंटी नहीं है, इसकी जो है ना उसने 2 साल की गारंटी दी है। जो दूसरी जिसके साथ शीशे का जग होता है ना, तो चले जी ये शीशे वाला जग वाली हम नहीं ले ली। शीशे वाला जग होता ना वो महंगी थी, वो 15 की दे रहा था। नहीं, वो मेरे पास है तो हाँ, उसको हमने इतना निकालना होता है, अगर जब निकालना तो वहां से इस्तेमाल कर ली, इतना कह रहा वो हैवी करना काम असी। पहले मसाले की डब्बी है ना, मेरे जिस जूसर था ना मेरा जो खराब हो गया, इस तरह के उसके साथ 3 थे, एक थोड़ा बड़ा था, ये प्लास्टिक भी अच्छा वाला,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਉਨ ਵਾਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੈਂਪਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਕੱਢ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਬਣਾ ਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 500 ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜੱਗ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਐਹੀ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਭਾਈ ਐਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਸਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੱਗ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਰਾਉਨ ਵਾਲੀ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰਾਉਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਰਾਉਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸੈੱਟ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਚਟਨੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਮਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਟਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮੈਲ ਕੋਈ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਕੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹਾਂ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ 'ਚ ਔਰ ਯੇ ਜਿਤਨੀ ਹਮਾਰੀ ਰੇਂਜ ਥੀ ਉਸਮੇ ਹਮਨੇ ਉਸੀ ਮੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਲੈ ਲੀ ਯੇ ਵੀ ਆਪ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿਤਨੇ ਆਪਕੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਜੋ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹਾ ਆਪ ਬਤਾਈਏਗਾ ਆਪਕੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਆ ਹਾਂ 3-5 ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਬਤਾ ਦੀਏਗਾ ਹਮਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਲੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹਮਨੇ ਕਾ ਚਲੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅੰਮੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਦਰ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਤਈ ਅੰਮੀ ਵਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਕੋ ਦਿਖਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਰਹੀ ਥੀ ਦੋ ਪਤੀਲੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪਤੀਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕੜਾਈ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਸਾਇਮਾ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਕੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਦੁਆਓ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇਗਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਅੰਧੇਰ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਇਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਸੇ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਆ ਕਰੇ ਉਨਕੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਆਪ ਹੀ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਬਾਦ ਰੱਖੇ ਇਨਕੋ ਜੋ ਹੈ ਹਯਾਤ ਰੱਖੇ ਇਨਕੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੋ ਦੇ ਉਨਕੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਕੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੀਨ ਬੱਚੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਕੋ ਇੱਕ ਮੋਟੂ ਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਦੀਮ ਨਦੀਮ ਕੋ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਮੋਟੂ ਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਲੀਜ਼ਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਕੋ ਮੋਟੂ ਕਹਤੇ ਹਨ ਉਨਕੋ ਵੀ ਦੇ ਸਭ ਕੋ ਬਾਰੇ ਛੋਟਾ ਦੇਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਚਲੋ ਅਬ ਹਮ ਇਸਕੋ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੂਸ ਬਣਾਏਗੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਅਭੀ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਣਾਤੀ ਨਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੂੰਗੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮਾਂ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਸੇ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਿਲੀ ਜਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਪਾਤੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਇਨਕਾ ਚਲੋ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੀਜ਼ਾ ਕਾ ਹਮਨੇ ਫੇਸ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿਆ ਲੀਜ਼ਾ ਕੇ ਬਾਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਬੜੇ ਤੋ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਹਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਲੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੌਣੇ 4 ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਹੰਡੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪੱਕਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲੀਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੋ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੰਡੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੈਸ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਸਤਾ ਸਭ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਚਨੇ ਹੈ ਨਾ
और आसमान ने बनाई है चने की दाल मसाले वाली, वो दिखाती हूँ मैं, थोड़ा सा हो जाए ज़रा, उसने भी रखी है पकने के लिए। आ गई है किचन में वो अपने हस्बैंड का। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। आटके निकाल लिए हाँ। सारे निकाल लिए अच्छी तरह। चल बस मैं आ रही हूँ। तो इधर देखें, ये ने बनाई हुई है नाश्ता, बनाने लगी है अपने हस्बैंड का, क्योंकि आज छुट्टी है, वज़ीर आज़म साहब ने छुट्टी दी है सबको। इधर मैंने प्याज काट के रखे, हाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने छुट्टी दी है ना आज सबको। तो इधर आसमा बनाई है दाल, चने की दाल बनाई है इसने मसाले वाली। इधर मेरे चने हो रहे हैं, पक रहे हैं। इधर क्या है, चाय का पानी रखा है हाँ। तो इधर मेरे प्रेशर भी हो रहा है। तो इधर बन रहे हैं पराठे के पेड़े, पेड़े बना रही है। और मैं ना ज़रा लीज़ा की पोनी कर दूँ, खड़ी है मेरे ध्यान से, मैं इसकी पोनी कर रही हूँ, मैंने पोनी करती हूँ मैं इसकी। ये सारे मसाले रखे हुए मैंने, तो इधर प्लेट में चम्मच रखा था, मैंने नीचे नहीं रखा। तो इधर प्याज हो गए हैं हमारे ब्राउन, इसमें जाएगा मसाला, सारा मसाला था टोटल, अदरक लहसुन प्याज लाल मिर्च हल्दी सूखा धनिया। अच्छा आई, इधर आ गया है मीठा सोडा, दो दो पैकेट आ गए हैं। और आसमा इधर धो रही है बर्तन, तो इसमें थोड़ा सा डालते हैं पानी और इसको हिलाते जुलाते हैं, इसका अच्छी तरह हम भून लें, फिर दो तीन देर में चने भी हो जाएंगे। ठीक है, मैं वेली हो गई अब मैं जा रही हूं। आसमा वेली हो गई है, सुबह दी कोई 20 बारी सुती है ऐ औरत, पता नहीं किन्ना सो लिया इन्हें सुबह का। सुबह उठी है 7 बजे, तो 8:30 बजे नाश्ता किया, नाश्ता करके बर्तन धो के तो जाके फिर लेट गई, वो सो गई। फिर उठी 11:30 बजे, उसके बाद फिर उठ के थोड़ी देर बाहर आई, मेरे साथ बातें बूतें की हैं, फिर अंदर गई, फिर सो गई, जाके 1 बजे बाहर आई है। फिर अब फिर रोटी हांडी बनाई है 1 घंटे में, अब फिर कह रही है मैं सोने लगी हूँ। चलो जी, हमारा मसाला तो देखें जलते जाते ही रेडी हो गया, अब बस चने होने हो जाए। इसको बंद करके ना ज़रा मैं मीठा सोडा डाल दूँ, तो फिर आगे रेसिपी तैयार करते हैं। चलो जी गाइस, यहाँ पे बजने लगे हैं 4:45, और मैं कह रही हूँ कि मैं रोटी वगैरह बना लूँ। और यहाँ पर मैंने हांडी रखी हुई थी, तो व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं क्या फिर आप लोग कहते हो कि छोटा बनाया करें। तो यहाँ पे मैंने देखे चने जो थे ना, मैंने प्रेशर में गला लिए थे, ये देखें, और यहाँ भी हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम सूखा धनिया, ओ सूखा धनिया कह रहे हरा धनिया, ये देखें मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ है। और चने की तरी निकाल लेते हैं जब मसाला भूनते हैं ना, ये देखें तरी और धनिया डालते हैं दोनों। अभी तो पहले हल्की ही आँच पे, ये देखें मैंने रखा हुआ है हल्की आँच पे, ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए। चलें जी, ये प्लेट भी मैं हंगाल लूँगी, अभी पहले आप लोगों को दिखा दूँ इसकी रेसिपी। अब धनिया डालते हैं, अब धनिया को लेके जाते हैं पतीली के पास। हरी मिर्चें नहीं मैंने डाल रही, क्योंकि मिर्चें आ गई तेज़ लग रही हैं मुझे, क्योंकि वो काली मिर्चें भी डालते हैं ना जब चने उबालते हैं, तो जब चने उबालते हैं ना, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ठीक है जी, चने हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखें ऐसे गाढ़े गाढ़े होते हैं ये, इसको कहते हैं चिक्कड़ चने। तो इसको अब ढक देते हैं और चूल्हा कर देते हैं बंद, बिल्कुल बंद हो गया। और इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है एंड। अब हम आपको कल मिलेंगे नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा जाते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्यारा सा कमेंट करें, और बेल आइकन को दबा दें, बिल्कुल ना भूलें, लाजमी दबाया करें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें जितनी हो सकती है, फिर सपोर्ट करें और भी सपोर्ट करें और भी सपोर्ट करें, ठीक है जी। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड में, दोस्तों में, फैमिली में, जहाँ मर्जी शेयर करें। तो गाइस, यहाँ पे वसीम साहब भी आ गए हैं, मैंने कहा मैंने आपको उनसे मिलवाया नहीं, मिलवा दूँ तो फिर ही व्लॉग एंड करती हूँ, ये भी थोड़ी सी वीडियो डाल दूँगी बीच में। और मैंने एक और चीज़, मैंने चने पकाए थे ना, मैंने चने में ना अंडे भी उबाल के डालने थे, वो नहीं मैंने आपको दिखाए, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने अंडे भी डाले बीच में, एक लीज़ा का, एक मेरा और एक इसके पापा का। तो बाहर वसीम साहब भी आ गए हैं, तरबूज काट रहे हैं,
ये देखें मुझे भी उन्होंने दिया है काट के, मैंने आज इस तरह खाना है, ये इन्होंने भी अपने लिए काटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप YouTube फैमिली को भी सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, ठीक ठाक है टुडे एवरीवन। एम काटो मैंने खाने हैं 1 रुपी। तुसी ने की करन लग गए। चलो जी गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, तो काफ़ी बड़ा लंबा हो जाता है व्लॉग, तो फिर आप लोग कहते हैं कि छोटा छोटा बनाया करें। मैं भी अभी रोटियां पका के आई हूँ, पंखा चलाओ, गर्मी बड़ी लग रही थी। बाय बाय, अब हम आराम करते हैं, ज़रा हवा लेते हैं, सीने पर रेस्ट करते हैं, तो फिर आगे दूसरा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जुड़े रहे।